हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश जोशी की व्लॉग्स। सो गाइस, आज है 12 फरवरी 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 हो चुके हैं। मेरे को आज 8 बजे ट्यूशन जाना था, पर पहले मैं खाना आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। आज वैक्सीन भी शायद लग सकती है, मैं इसलिए पता भी करने जाऊँगा। तो आधार कार्ड ढूंढ रहा था, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और अमित भी आके चला गया, अभी जस्ट गया वो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब तो लेट हो गया, थोड़ा सा और ही लेट हो जाता हूँ। तो फिर अभी थोड़ा सा इंटर वगैरह दे के और चलते हैं ट्यूशन की ओर, और मिलते हैं आपसे। हम वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं। मैंने लगवाई है, इसने नहीं लगवाई, इसको डर लग गया था, खौफ के कारण नहीं लगवाई। तो घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर पे और योगेश भी वैक्सीन लगवा चुका है, मैं भी लगवा चुका हूं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हाथ में पेन सा हो रहा है और अभी धूप भी एकदम कड़क आई हुई है, धूप तो रुझिया लग गया। अब ठीक हो गया, मतलब मौसम एकदम गलिया वगैरह सब कुछ सूख चुकी है। तो आज ना ट्यूशन जाने का टेंशन ना कुछ और कुछ। और आज मैंने गिनीज बुक ऑफ ठंड रिकॉर्ड बनाया। आज फिर मैंने नहाने गया था, मैंने पहले नहा लिया था मतलब गर्म पानी से, और उसके बाद पानी ख़त्म हो गया था। तो जब पानी ख़त्म हुआ तो वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ा था, और मैंने वही 4 जगह पूरे गए सर में डाल लिए थे, 4 जग पानी के। तो सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो अभी बच चुके हैं 2 और मैं खाना वगैरह खा चुका हूँ, और बच्चे भी ट्यूशन आके चले गए। तो अभी बाहर अरुण और पतंग उड़ाते थे, उड़ा रहे हैं, तो देखते हैं उन्हें। खत्म, पहली बार पतंग उड़ा रहा है, शायद पहली बार नहीं, ऐसे ऐसे आती है शायद उड़ानी, को पता नहीं है, अब देख लिया इसने। तब चलते हैं, देखते हैं इसकी पतंग उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी आज। आज HMT कॉलोनी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अरुण आते हैं पतंग, आप देख सकते हैं। ए ए ए उड़ा उठा उठा उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ढील छोड़ दे उड़ा दे सही है सही है सही है सही है पतंग को देखने दे इसमें दिख रही है टेंशन ना ले। वाह जी वाह, अरे बहुत ऊपर चली गई। ऐसे उड़ा दे पतंग को, पतंग की रेल बना दे। फर्राने मार रही है, इससे पहले कितनी बार उड़ाई है तूने पतंग? अरे मैं तो उड़ा रहा हूँ काफी टाइम बाद। अब रुक तो जा, ओ गिरेगी, ऊंचे करने दे थोड़ी। अरे कहाँ, इसमें तो कैमरे में तो बहुत छोटी आएगी। अरे गिर गई गिर गई गिर गई, अरे रील छूट गई रील छूट गई रील छूट गई गाइस, से आते रील छूट गई और पतंग देखिए कहाँ जाएगी। गाइस पतंग कहीं और जाएगी, अच्छी खासी पतंग उड़ रही थी और वो रास्ते बस थोड़ी सी रील छोड़ी तो रील ही टूट गई, रील टूटी भी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गांठ बंधी भी नहीं है और रील छोड़ दी, और वो फार्म के बीच वाले फार्म में जाके गिर गई है। तो अभी वो नहाने चला गया, उन्होंने कह रहा तो शाम को खेलेंगे, तो अभी शाम को खेलते हैं। और पतंगे तो सब फट चुके हैं, 3-4 पतंगे थी इनके पास, सारी की सारी फट गई, और चलते हैं अभी छत पे। और वैसे जब मैंने पिछली बार वैक्सीन लगवाई थी फर्स्ट डोज, तब तो मुझे कुछ हुआ नहीं था, पर 2 दिन बाद इतना खतरनाक बुखार चला था कि आप लोगों को पता ही होगा, आप में से कुछ लोगों को जो पहले भी वीडियो देख रहे थे कि और अब भी देख रहे हैं, कि 3-4 दिन तक लगभग रहा था। और अब प्री बोर्ड भी होने वाले हमारे, बस अब ना चढ़ जाए बुखार, स्कूल भी जाना है परसों सोमवार को, और एक साथ 3 सारे लगभग 4 सब्जेक्ट का हमारा टेस्ट है गाइस, और वो भी ऐसा ऐसा टेस्ट नहीं, एक तरह का पेपर ही समझ लो, बहुत ज़्यादा चैप्टर देर के उनका टेस्ट है। तो अभी थोड़ी सी वीकनेस सी कम वो हो रही है, फील हो रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर धूप में आराम से, हड्डियों को धूप लगेगी, और फिर शाम को मिलता हूँ आपसे, तब तक सब्सक्राइब तो करिए। तो गाइस अभी बच चुके हैं शाम के 5 और मैं सो के अब उठाऊँ, 4 बजे उठा था, उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह करके अब मैं बाहर को आया हूँ। तो अभी सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं कुछ खेल रहे हैं, देख के आते हैं क्या खेल रहे हैं अभी। तो इधर साइड से चलते हैं हम लोग। और गाइस अभी भी मेरे को एक खुशखबरी मिली, मेरा सबसे फेवरेट शो जो मैं बचपन में देखता था, और अभी जब कोविड आया था तो रामायण के साथ वही शो देखता था मैं, जिसका नाम है शक्तिमान, उसकी मूवी आने वाली है, पता नहीं कब आने वाली है, तो उसका फर्स्ट लुक आया था वो देखा था, बड़ा मस्त था गाइस, एकदम ख़तरनाक। और हाँ अभी मेरे हाथ में पेन अब ठीक है, पहले से उतना ज़्यादा हुआ नहीं, थोड़ी देर सो गया था मैं, और इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे खेल रहे हैं। ज़्यादा गर्मी आ रही है, हैं तेरे को ज्यादा गर्मी आ रही है, और तेरे को रे ओ बता
तेरे को कह रहा हूँ मैं को देखो इसके मुंह पे बॉल लगी और देखो ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैं बार बार बॉल मांग रहा हूँ, इधर भी तो मार रहे हैं। तो क्या कर रहे थे? तेरे पे कुछ है नहीं पहनने के लिए? चलो चलो, मैं लिए नहीं देखो। तेरे पास है ही नहीं कुछ? तो गाइस अभी हम भी खेलते हैं, इनको देखते हैं पहले और उसके बाद खेलते हैं। आज यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है राज। राज पहन के है, कोट पैंट पहना है राज ने, ब्लेजर और पैंट। अरे वाह जी वाह, पास दे पास दे 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 दे, मैं वापस दूंगा। हेलो गाइस, तो आप ये देख रहे हो, ये डॉग, ये डॉग नहीं है, पता नहीं क्या नाम है इसका, लंबरगिनी नाम है। खून निकल रहा है बेचारे के मुंह से, पता नहीं दवाई खा के हुआ अनार खा पी का हुआ। मारो इनसे, बोल दे यार अरुण। छोड़ दो, घास के पीछे पड़ जाएगा, घास के पीछे। अरे घास के साइड जगह पड़ जाते हैं। अबे यार साइड टियर साइड, बॉल फॉर्म फॉर्म। अच्छा सॉरी सॉरी, ओए नियाल पकड़ ले अपनी बॉल, प्लीज बॉल पकड़। हेलो हेलो, अब मेरे को चढ़ा दे ऊपर, दूसरे को जगह देखो। ओ तुम उससे देखियो, क्या जगह साफ करी है भाई। फोन पकड़ फोन पकड़ फोन पकड़। कुत्ता भी अपनी कुत्ता भी अपनी बैठने की जगह पूंछ से साफ करते करते नहीं, तो क्या कहते हैं ना, कुत्ता भी बैठने से पहले और शाम के 6 और खेल वगैरह क्या आ चुके हैं हम आराम से, तो जूते का दिखेगा इसके हाल हो चुका है। दरअसल यहाँ पे एक कुत्ता जो भी आपने कुत्ता देखा, वो कुत्ता उनके घर वालों से मतलब पता नहीं कैसे खुल गया और वो यहाँ पे है नहीं, तो उसके दांतों से भी यहाँ से खून चल रहा था गाइस बहुत ज़्यादा, और उसके जो गर्दन है वहाँ पे जो चैन थी उसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब छिला हुआ था और वो चैन खुल रही नहीं थी, तो इसलिए फिर अभी तो उसको वहाँ पे छोड़ के आए हैं, मतलब उसका जहाँ पे घर है उसके पास बड़ी मुश्किल से छोड़ के आया मैं, और उसी के चक्कर में ये लोग तो डर डर के भाग रहे थे उससे, तो इधर उधर हो रहे थे, मतलब वो भी फिर थोड़ा सा उसे भी ऐसा अनसेफ सा महसूस होता है, इसलिए वो भी इनके पीछे पड़ने लग गया, तो मैं उसे रोकने गया तो फिर मेरा पैर कीचड़ में लग गया। बस हाँ, किसी को काटा नहीं उसने और बच गए सब, और वो भी बच गया मतलब वहाँ पर रख दिया। तो अभी आज गाइस मेरे साथ मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको भी, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज मेरे 10K व्यूज़ पूरे हो चुके हैं, अभी ज़्यादा ही हो चुके हैं 10K से, पर आज पूरे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहा कि आप लोग वीडियो देखते रहे मेरी, जो भी देखते रहे, जो यहाँ तक पहुँचे वो तो महान है गाइस, बस क्या ही बताऊँ, सच से नमन। तो इसी के साथ मिलते हैं लक्ष्मण लोग में, आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप भी सेकंड डोज लगवा लें, जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई, जिन्होंने फर्स्ट नहीं लगाई वो फर्स्ट भी लगवाएं, और स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।